टेबुलर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो तब यूज होता है जब आपके पास एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा हो और दूसरे की वैल्यू आप डिफरेंशिएट करने से वो अगर वो डिक्रीज हो रही हो। 49 में x पावर 4 है, ये वाली टर्म कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाएगी अगर हम इसको डिफरेंशिएशन में लें, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन में लिया। साइन 2x को हमने इंटीग्रेशन में लिया। मैं पहले सारे डेरिवेटिव कर लेता हूँ। इसका डेरिवेटिव 4 टाइम्स 4 16x क्यूब आ जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 48x स्क्वायर हो जाएगा, 48 टाइम्स 2 लेंगे 96x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 96 और 96 कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 0। अब आते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। हमने 2x की साइन 2x की इंटीग्रेशन करनी है तो अगेन अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन 2x, ठीक है, ये बार सब्सटीट्यूशन भी आप कर सकते हैं या सिंपल ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास साइन के साथ कोई भी यहाँ पे ऐसी चीज हो जो 2 टाइम्स x हो, x स्क्वायर वगैरह हो, सॉरी 2 टाइम्स x हो जिसका डेरिवेटिव साथ यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि साइन 2x का डेरिवेटिव में जो 2x है इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2, तो वो 2 हम अपनी तरफ से लेके आ सकते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इसको लिख सकते हैं कॉज, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय जो इनसाइड है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जो हमने पहले भी की थी कि अगर आपके पास साइन एफ ऑफ एक्स हो और साथ में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं ये किसके इक्वल होता है, कॉस के, तो माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो अब इसको देखें, ये हमारे पास साइन 2x के, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 जो कि ऑलरेडी मौजूद है, तो हम साइन की स्ट्रेट अवे इंटीग्रेशन लिख देते हैं। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ये 1 ओवर 2 एज इट इज आएगा। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज 2x, देखें तो ये एग्जैक्टली सेम वही चीज लिखी हुई है, क्लियर है। तो या आप ये करें कि साइन 2x, साइन की जो भी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 2x है, और उसको डिवाइड करें किससे, इसके डेरिवेटिव से जो कि 2 है, तो ये साइन होती है। अब ये माइनस 1 ओवर 2 साइन 2x है, कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x, और डिवाइड कर देते हैं किस चीज से, 2 से, तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 4 साइन 2x। अब माइनस साइन 1 ओवर 4 साइन 2x को अगर हमने करना है तो ये माइनस 1 ओवर 4 तो इट इज आएगा। साइन का क्या होता है, कॉस और फिर डिवाइड बाय 2, तो वो 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड बना देता है। इसी तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस की, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, सॉरी अच्छा साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो वो माइनस भी इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना देता है। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन प्लस साइन और डिवाइड बाय 2, तो ये 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 बना देता है। इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस कॉस के इक्वल होती है और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 ओवर 32। अब अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट, इन सबको आप एडअप कर दें, ये मैंने यहाँ पे सारे एडअप किया है, यू कैन सी दम, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई देम। इसमें भी कॉस 2x है, इसमें कॉस 2x है और इसमें कॉस 2x है, वो कॉमन ले लिया और जहां जहां साइन कॉमन है वहां से साइन कॉमन लिया और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया।